الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद है तमाम हजरात खैरत व आफियत से होंगे। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, पूरे आलम में इस्लाम की नुसरत और इस्लाम की इज्जत अता फरमाए। दोस्तों, इस टाइम आपके सामने मुखातिब होने का एक अहम मसला है, एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में मुझे आप सबको होशियार और आप सबको बाखबर करने की बहुत अशद जरूरत है। क्योंकि आप सबको पता ही है, जहां हमारा तज़किरा हो वहां तो दुश्मन जलने का नाम जरूर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि जहां हमारा तज़किरा हो और वहां पे दुश्मन ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर आपसे तमाम लोग खुश हैं तो समझ लेना कि आप मुनाफिक हो। जब तक आपके साथ आपके मिशन के साथ दुश्मन न हो, तब तक आप सच्चे मोमिन और पक्के मुसलमान नहीं होते हो। तो दुश्मनों का होना हमारे लिए किस्मत और हमारे लिए फख्र की बात है। क्योंकि हमने एक अहम मसला आपके सामने ये हमेशा बयान किया है कि मेरी दुश्मनी मेरी शख्सियत को सवरती है, मेरी दुश्मनी मेरी शख्सियत को सवरती है। मैं अपने मुखालिफों का बड़ा एहतराम करता हूं। मैं इस टाइम किसी के कहने पे या किसी के दबाव से या किसी के प्रेशर से आपके सामने नहीं आया हूं। ना तो मेरा कभी ये माटू होता है कि मैं किसी के प्रेशर की वजह से या किसी से डर के तुम्हारे सामने किसी बात का इतला करूं। नहीं, ऐसा नहीं है मसला कोई। तुमने हमें माना है एज ए गाजी और आप सबने हमें मशहूर किया है एज ए गाजी, तो यकीनन आपको हम कभी भी ना उम्मीद नहीं करेंगे। बस ईमान का तकाजा होता है, कभी कभार दिल चाहता है कि नहीं भैया, कुछ हुआ है जिसकी वजह से दुश्मन आपके नाम का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको जवाब देना जरूरी होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली हमारे दिल को मिलती है, बस उस खुदा को याद करने से। खुदा के बगैर हमने अपने दिल में किसी और का खौफ रखना पहले भी कुफर समझा था, अब भी कुफर समझते हैं और कयामत तक कुफर समझेंगे। जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह के बगैर किसी और का खौफ पैदा हुआ, उस दिन हम दीन का काम करना छोड़ देंगे, फिर तो फायदा ही नहीं है। तो बस एक मेन मोटिव के लिए आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। उम्मीद है तमाम हजरात बड़े ध्यान से और बड़े गौर फिक्र से हमारी इन बातों को सुनेंगे। मसला नंबर एक है कि चंद दिनों पहले हमारा एक बयान कुपवाड़ा के अंदर हुआ, वहां पे बहुत सारे उलमाए किराम का भी बयान था और मेरे पहले से एक बहुत बड़े अजीम मुफ्ती जिसका नाम है हजरत मुफ्ती एजाज अहमद नदवी साहब दामत बरकातुल आलिया, जो बहुत बड़े खुश मिजाज और बहुत पसंद मिजाज बंदे हैं और इल्म के एतबार से भी बहुत वसी ताल्लुक और बहुत वसी नजर रखने वाले बंदे हैं। उनका बयान
मेरे बयान से पहले था, क्योंकि हम दोनों मगरिब पे पहुंचे, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि एक मुफ्ती के पहले मैं बयान करूं। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि आप बयान जारी रखिए, जब तक आपका जी चाहे अब तक तक आप करते रहिए। तो मुफ्ती साहब ने बयान किया, क्योंकि मुफ्ती साहब के मिजाज के हिसाब से उन्होंने कुर्सी मंगवाई, वरना मस्जिद कमेटी और मस्जिद वालों ने वहां पे मेंबर का इंतखाब सबके लिए किया था। लेकिन मुफ्ती साहब के मिजाज ने खुद बोला कि मुफ्ती साहब ने मगरिब नमाज पढ़ाई, मगरिब नमाज के बाद उन्होंने खुद कहा कि मुझे कुर्सी पे कंफर्टेबल ज्यादा आता है, कंफर्ट ज्यादा होता हूं मैं, तुम मेरे लिए कुर्सी दे दो। तो मुफ्ती साहब ने बयान कुर्सी पे किया, और जो ही मैंने बयान शुरू किया तो उस वक्त बहुत सारे लोग मस्जिद के बाहर भी बहुत सारे जवान जमा हुए थे, और उन्होंने शोर किया कि हमें कुर्सी पे नजर नहीं आता है, गाजी सर को बोलो कि ये मेंबर पे आ जावे। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब से इजाजत मांगी, क्या मैं मेंबर पर चढ़ सकता हूं? तो मुफ्ती साहब ने बोला कोई एतराज नहीं, मेरे लिए कंफर्ट कुर्सी थी, आप मेंबर पे चढ़ सकते हैं। तो फिर मैं मेंबर पे चढ़ा। इस पे बहुत सारे पढ़े लिखे और बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे जानने वालों ने, जिनको दिल में जलन हो रही है कि देखो जी भैया, एक इंजीनियर मेंबर पे, एक मुफ्ती कुर्सी पे है, तो भैया कम से कम अकल कैसे तो काम ले लो। जब एक मुफ्ती के सामने मैंने इजाजत मांग के मेंबर का इंतखाब किया, जब मुफ्ती साहब को कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें कौन सा एतराज है? और ये क्या एतराज है? कम से कम सोचो तो ये कौन सा एतराज है? जब मुफ्ती साहब कंफर्टेबल कुर्सी पे थे और लोग इतने ज्यादा थे कि कुर्सी पे उनको बाहर से नजर नहीं आता था, तो इसमें क्या गलती है? ये एक मसला है, ये पहली बदबख्ती है उनकी। और बहुत सारे पढ़े लिखे और बहुत सारे इल्म वालों ने मुफ्ती साहब को फोन किया कि ये तुम्हारी कमजरफी है, अल्लाह उनको भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए। दूसरा मसला, वो जो सारा बयान था वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस हुसैन के बारे में मैं ये कहता हूं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मैं हुसैन का एक रूहानी बेटा अपने आप को समझता हूं, और जब तक रहूंगा हुसैन के नक्शे कदम पे चलता रहूंगा, किसी का खौफ नहीं करूंगा कि सामने यजीद का 40,000 का, 70,000 का, 1,00,000 का फौज भी खड़ा हो, हम डरने वाले नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल हुसैन है। तो वहां पे एक मसला हुआ, मसला ये हुआ कि मैंने वहां पे एसेंस ऑफ करबला पूरी डिटेल में बयान की, क्योंकि मैंने बयान के शुरू में ही बता दिया कि मुफ्ती साहब ने भी करबला ही तज़किरा था, लेकिन मुफ्ती साहब ने थोड़ा नरम लहजे का इस्तेमाल किया था वहां पे। मैंने अपने रंग में और अपने जज्बे के साथ हुसैन के करबला, रज़ियल्लाहु अन्हु के करबले को एसेंस के साथ पूरा डिटेल में और पूरा दलील के साथ बयान किया। वो पूरा बयान लाइव किसी साथी ने किया है, 1 घंटा और 15 मिनट 20 मिनट है पूरा बयान, उसको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन दुश्मनों को तो दुश्मनी जरूर निकालनी है, उन्होंने वहां पे, कुछ हजरत ने वहां पे ये निकाला कि आपने यजीद को लानती कहा। मैं अब भी कहता हूं, मैं यजीद को अब भी लानती कहता हूं, तब भी लानती कहता था और कयामत तक लानती कहूंगा, ये मेरा ईमान है। मैं यजीद को लानती कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा। किसी को इख्तलाफ हो सकता है, वो इख्तलाफ रख सकता है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, ये मेरा अपना तहकीकी जायजा है, ये मेरा अपनी दलील है। मैं उसको लानती समझता था, समझता हूं और समझता रहूंगा। और जिसको जलन हो रही है वो अलग टॉपिक है, वो किसी जगह हम दलील के साथ, या मैं सिलसिला एक चलाऊंगा यूट्यूब पे, उसके साथ दलील के साथ डिबेट के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, वो यहां पे मसला नहीं है। तो कुछ को जलन हुई है, कुछ को जलन नहीं हुई है, लेकिन मेरा ईमान वही है कि मैं यजीद को लानती समझता था, समझता हूं और समझता रहूंगा। हुसैन को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं, जन्नती मानता हूं, पूरे कौम का सरदार और जन्नत का सरदार मानता हूं। तो रहा यह मसला, उनको भी मुबारक जिन्होंने एतराज किया। इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ तुम रख सकते हो, तुम्हें हक है, यू हैव एवरी राइट टू अपोज माय व्यूज अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ योर दलील और अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ योर स्टडी, आपको सारा हक है। एक और मसला यहां पे रहा है कि वो ये मसला है, वो जो तीसरा और इंपॉर्टेंट मसला है, जिसके बिना पे मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि मेरी ईमानी हरारत मुझे इस चीज के बारे में इजाजत नहीं दे रही है। कसम खुदा की और अल्लाह की कसम, मैं किसी के दबाव या किसी के कहने पे आपके सामने नहीं आया हूं, बस अपने ईमानी तकाजे पे आया हूं। मैं एक दिन या दो दिन पहले ही आता, क्योंकि हम केरल में गए थे, केरल में नेटवर्क का सिस्टम नहीं है, हम 2-3 दिन वहां पे केरल में रहे हैं, वहां पे नेटवर्क सिस्टम नहीं था, इसलिए मुझे वीडियो बनाने या ऑनलाइन आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो फिर भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन फोन पे बहुत सारे हजरात से बात भी की, लेकिन कुछ हो ना सका, इसलिए मैंने मुमकिन समझा कि घर आते ही या किसी नेटवर्क एरिया में आते ही आपके सामने मैं मुखातिब जरूर हो जाऊंगा।
तो ये मसला है कि पूरे बयान में मैंने हुसैन की अजमत और हुसैन के करबला की एसेंस रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन तमाम की एसेंस को बयान किया और डिटेल के साथ बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला, बहुत सारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स और बहुत सारे एप्रिसिएशन भी मिले। लेकिन दुश्मनों का काम है दुश्मनी निकालना, तो उन्होंने वहां से एक छोटी क्लिप निकाली है, छोटी क्लिप निकाली है जिसमें मैं समझता हूं कि जज्बात के दायरे में मैं बाहर हो चुका था, जज्बात के दायरे में, वहां पे मेरे जज्बात पीक पे थे, तो उन जज्बात के दायरे में मैं थोड़ा सा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर चुका हूं जो मेरे हिसाब से, मेरे दिल के हिसाब से वहां पे इस्तेमाल न होना चाहिए था। वहां पे मसला क्या था, मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग दुनिया में और बहुत खुसूसन कश्मीर में ये दावा करते हैं कि कुरान में एक आयत है, या अय्युहल लजीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और ईमान वालों हकीकत में कुरान की आयत है, और ईमान वालों अपने अहलो आयाल और अपनी जान को बचाओ, ये तुम्हारे लिए कामयाबी है, अपने अहलो आयाल और अपनी जान को नार जहन्नम की आग से बचा लो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, नार जहन्नम की आग से अपने अहलो आयाल और अपने घर वालों को बचा लो। ये मेरा वहां पे, और फिर मैंने कहा था अगर खाली इतना ही दीन होता फिर तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले बैत पहले से ही जानती थी, वो तो अहले बैत सारे जन्नत के सरदार थे, वो तो हुसैन पहले से, अगर वो मदीना में ही रहता और करबला न होता हुसैन तब भी जन्नत का सरदार था। लेकिन हुसैन ने करबला किस वजह से किया, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि रहती दुनिया तक यजीद जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, यजीद के साथ मुकाबला कैसे करना है हुसैन ने यह पूरी उम्मत को बताना था। इसलिए मैंने फिर उस दायरे में कहा था अगर अहल आयाल और अपनी जान को बचाना ही ईमान और काफी होता फिर तो आग लगा दो हुसैन के करबला को। यह मैंने वहां पे थोड़ा सा अल्फाज थोड़ा तीखा हुआ था जो मुझे अपने किसी वल्लाह आलम, मैंने ना क्लिप को देखा, मैंने अपने वीडियो को दूसरे दिन ही लाइव देखा था जो बहुत सारा वायरल हुआ था, जिसमें बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली है और दुश्मनों ने तो दुश्मनी वहां पर भी निकाली थी। मैंने जब वीडियो देखा मैंने साथी को वही बोला कि इस पे वीडियो बनाना जरूरी है कि यहाँ पे थोड़ा सा अल्फाज का इस्तेमाल गलत हुआ है। मैं तभी, लेकिन हम केरल में थे और केरल में इतनी भीड़ हो गई थी लोगों की, उन्होंने इतने फोटो उठाए, फिर हमें मौका ना मिला, हम एक दूर दराज होटल में फिर दो दिन तक रखे वहां पर, लेकिन नेटवर्क सिस्टम नहीं था, वरना मैं उसी रात को लाइव आता। दुश्मनों ने इसका इस हंगामा बना दिया कि आपने नऊज़बिल्लाह अहले बैत की गुस्ताखी की, और अहले बैत तो मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है, मैं अहले बैत हुसैन को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं, मैं यजीद पे हुसैन की वजह से लानत भेजता हूं। क्या हुआ तुम लोगों को, कम से कम सोचो तो करो, वीडियो बनाने से पहले क्लिप निकालने से पहले एक बार तो फोन कर लेते, क्योंकि ये हुक्म कुरान का है, जब तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे पहले उसकी तहकीक तो करो, लेकिन दुश्मनी करने कर लो हमें कोई मसला नहीं है। हुसैन को पता है कि ये गाजी हुसैन से कितनी मोहब्बत करता है, अहले बैत को पता है कि इस गाजी ने अहले बैत का कौन सा हक अदा किया उस बयान में, पूरा बयान सुनो, डेढ़ घंटे का बयान सुनो, द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम पेज ने वो लाइव दिया है, पूरा बयान सुनो फिर देखो कि हमने हुसैन के साथ कौन सा हक अदा किया है। मैंने इस दायरे में कहा था कि हुसैन ने करबला इस वजह से नहीं किया था कि वो अपने अहलो आयाल और अपनी जान को यजीद से बचाना चाहता था, नहीं नहीं, हुसैन ने करबला इसलिए किया, द करबला वॉज नॉट जस्ट फॉर द हुसैन और फॉर द अहले बैत, द करबला वॉज अगेंस्ट ऑल द एंटी इस्लामिक पॉलिसीज, टू स्टॉप ऑल द एंटी इस्लामिक पॉलिसीज, द रीजन इज करबला। यजीद जो बुरे काम और इस्लाम को बदलना चाहता था उन एंटी इस्लामिक कामों को रोकने का नाम करबला होता है। मुस्लिम वमा युबालियों का मिस्ली, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझ जैसा बनना है तो इस जैसे भी कयामत तक आएंगे, इस जैसों के हाथों पे बैत नहीं करना। यानी कि बहुत सारे लोग आज कश्मीर में भी शराब का अड्डा काम कर रहे हैं, जिना का अड्डा आम कर रहे हैं, चरस का अड्डा आम कर रहे हैं, मुसलमान तो है लेकिन शराब भी पीते हैं, जिना भी करते हैं, उनमें और यजीद में क्या फर्क है, और हमने उन्हीं को अपना सरदार माना है। मैंने कहा था अगर हम अपने कमरे में बैठेंगे और अपनी अहलो आयाल अपनी जान को बचाएंगे, अगर इसको तुम ईमान समझते हो फिर आग लगा दो, नऊज़ बिल्लाह आग लगा दो हुसैन के करबला होने को, फिर तो वो सारा झूठा था। ये मेरा कहने का मकसद यह था कि हुसैन की शहादत खाली अपनी जान और अपनी अहले बैत को बचाने के लिए नहीं थी, वो खाली इसलिए थी ताकि इस्लाम का झंडा कयामत तक बुलंद रहे, और जब भी यजीद जैसे बंदे शराब का अड्डा या जिना का अड्डा या बदकारियां इस्लाम को बदनाम करने के लिए
उठेंगे, तब जाके तुम्हें हुसैन ने एक राह दिखाई है, एक रोल मॉडल और एक रास्ता बताया है कि उस यजीद को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। यह मसला वहां पर था। और मैं ये फिर से भी कहता हूं कि उस बयान में जज्बात के दायरे में थोड़े से अल्फाज का तेज इस्तेमाल हुआ है और कुरान का थोड़ा सा गलत लहजे में इस्तेमाल हुआ है। उसके लिए अगर किसी साथी या किसी अहले बैत के मोहब्बत करने वालों को, यकीनन मुझे जब अपने दिल में दर्द हुआ तो तुम्हें भी जायज बनता है, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं कि वो जो अल्फाज जज्बात के दायरे में, जज्बात के पीक पे हुए इस्तेमाल हुए हैं, वो अल्फाज गलत है। लेकिन मेरा जो माटू ये था वो माटू बिल्कुल हक है और उस माटू पे मैं कयामत तक जीता रहूंगा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।